सत श्रीकाल आदाब नमस्ते, मैं हूँ रणदीप सिंह, स्वागत करता हूँ आपका परफेक्ट टाइमलाइन में। आपको बता दें कि एक तरफ अगर देखा जाए तो कोरोना के बढ़ते हुए केसेस और उसमें मजबूर होकर फिर से एक बार फिर से CSI और BSF के जो यूथ हैं वो दोबारा से सड़कों पे आते हैं। आइए सुनते हैं कि क्या उनकी मांग है, क्या कारण हो गया ऐसा कि दोबारा से एक बार उनको जिनका गुस्सा फूटा हुआ है काफ़ी लगातार। बहरहाल आपको जो सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे, आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि BSF और CSI जो है लगभग जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो लगभग इस समय जो है ये CSI और BSF के, और हम बात करने की भी कोशिश करेंगे लगातार। फिलहाल आपको सीधी तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग जो है इस समय हम अगर बात करें तो CSI और BSF की जो दोबारा से एक बार प्रदर्शन करते हुए, क्योंकि इनकी जो मांग है ज्वाइनिंग की मांग, 3 साल से लगातार उन्होंने प्रयास किया और उसके बाद जो है ये पहले भी आपको बता दें कि सड़कों पर आए हुए थे और आज भी एक कारण बना जो इनका लगातार जो आप देख सकते लगातार प्रदर्शन आप CSI और BSF के जो रिक्रूटमेंट है, जो जवान है लगभग, उसकी अगर हम बात करें तो इस समय आप देख सकते हैं सीधा प्रदर्शन करते हुए। सर, पहले सबसे पहले आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया जो हमें टाइम टू टाइम कवर करते हैं, लेकिन सर हमें को मजबूर कर दिया है सरकार ने, हम जाएं तो जाएं कहां, लेकिन अब हमको रोड पर भी आना है, उधर प्रदर्शन भी होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन हम अब पीछे नहीं होंगे। सरकार को टस से मस नहीं हो रही है सर, इनको हमें 2 दिन की चेतावनी दी थी लेकिन इन्होंने अभी तक हमारा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे साथ जान तो बात करो, अगर कुछ ना कुछ तो हमारा करना पड़ेगा, लेकिन हम जम्मू का यूथ है, ये कश्मीर वाले हालात मत बनाओ, जम्मू का यूथ को खज्जल मत करो, लॉलीपॉप देना बंद करो, और हम एक जम्मू का ये यूथ है,
ये बिल्कुल साइलेंट प्रोटेस्ट करता है। कभी हम प्रदर्शन ऐसा हमें सोचा नहीं था कि भाजपा सरकार के टाइम भी आकर हमें ऐसे प्रदर्शन करने पड़ेंगे। पूरी मांग आपकी क्या है, क्या आप क्या चाहते हैं कि दो दिन पहले भी आप सर 2000 वैकेंसी पीछे से सेक्शन हो गई है, वो गई तो गई कहाँ है? डॉक्टर साहब ने खुद कहा है कि हमें 2000 वैकेंसी BSF सीसे वालों को दे दी है, लेकिन वो गई कहाँ है? हमारे पास प्रूफ भी है उस वैकेंसी का, लेकिन वो कहाँ गई है? पलौड़ा BSF सेंटर में 7000 वैकेंसी अभी खाली पड़ी है सर, इनको कुछ टस से मस नहीं सरकार हो रहा है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब आने वाला जो आपका क्या रवैया रहेगा अगर आपकी मांगे पूरी नहीं? आने वाले टाइम में हम जम्मू का 107 यूथ इकट्ठा होगा और हम हंगर स्ट्राइक करेंगे और रोड बंद करेंगे, भाजपा की रैलियां रोकेंगे, सब कुछ करेंगे। क्या क्या लगता है कि एक साइड से अगर देखा जाए कोविड की महामारी में अगर क्या आपकी जान को खतरे में डाला नहीं जा रहा, या आप क्या लगता है कोविड महामारी के प्रदर्शन को तोड़ा जा रहा है? महामारी हमारे में चल रही है, इससे और महामारी कौन सी आनी है? इस सबसे ज्यादा तो महामारी हमारे में बह रही है, वो हमें बताए कौन सी महामारी बह रही है। और बहरहाल आपने देखा कि BSF CISF जो है मांगे लगातार, कहा जाता है कि 2000 पोस्टें जो थी वो आखिर गई कहाँ, जब और जो इन जिन्हें ये मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, 2000 पोस्टों को जो है खाली किया गया था, लेकिन उन्हें ये भी कहा जा रहा है कि 2000 पोस्टें जो है वो फिल हो चुकी हैं। आखिरकार ये प्रदर्शन आप देख सकते हैं पीछे हमारे, देख सकते हैं बहरहाल सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की जो हमने कोशिश की है, और जनता भी जो है जनता जो अपनी राय जरूर दे, क्योंकि जनता ही सब कुछ देखती है। हमारे व्यूवर जो देख रहे हैं कि BSF और CSI की ये जो प्रोटेस्ट, एक तरफ से अगर देखा जाए तो COVID-19 की महामारी का हवाला दिया जाता है, लगभग भीड़ भाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए कोशिश की जाती है, क्या इनकी जानों को खतरे में नहीं डाला जा रहा, या आज कोविड का जो उल्लंघन नहीं हो रहा? फरहाल जो आज का जो प्रोटेस्ट है वो है BSF और CSI की लगातार मांगे जो हैं, 2000 सीटें जो हैं इनके साथ धड़ाधड़ी हुई है, जब तक इनकी मांगे नहीं बढ़ेंगी तो ये प्रोटेस्ट आगे जाके बढ़ भी सकता है। अपनी राय जरूर दें, देखते रहिए परफेक्ट टाइमलाइन, कैमरा में सुनील शर्मा के साथ, धन्यवाद, जय हिंद।